आज हम बात करेंगे औरैया जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाली शिवानी, उन्होंने कैसे अपनी झोपड़ी को महल बनाया और तो आज वो फर्श से अर्श पर पहुंच चुकी हैं और इस समय वो बिग बॉस में प्रतिभाग कर रही हैं। शिवानी कुमारी अपनी एक अलग बोलने के स्टाइल से पहचानी जाती हैं। शिवानी कुमारी एक यूट्यूबर हैं। शिवानी कुमारी बिग बॉस OTT सीजन 3 का हिस्सा हैं। शिवानी कुमारी का जन्म 18 सितंबर 2001 को अरियारी औरैया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इस समय ये 23 वर्ष की हैं। शिवानी कुमारी चार बहनों सबसे छोटी हैं और इनके कोई भी भाई नहीं है। जब ये 1.5 वर्ष की थी तभी इनके पिता का देहांत हो गया था। पिता के जाने के बाद शिवानी कुमारी के यहाँ इतनी ज्यादा गरीबी थी कि ये लोग खाने के मोहताज हो गए और बारिश में ये लोग सरकारी स्कूल में समय बिताती थी। शिवानी कुमारी की प्रारंभिक शिक्षा सरकारी स्कूल में हुई। शिवानी ने कक्षा 9th में गायत्री विद्यालय में एडमिशन लिया और खेतों में काम काज करके अपनी फीस को भरने लगी। इनकी मम्मी प्रार्थना नर्सिंग होम में 600 रुपए की सैलरी में काम करने लगी। मक्का और गेहूं को बेचकर इनकी मम्मी ने 7,000 रुपए इन्हें हाई स्कूल की फीस भरने के लिए दिया और इन्होंने फीस के पैसे से फोन खरीद लिया और ये टिकटॉक पर वीडियो बनाने लगी। 4 साल तक टिकटॉक पर काम करने के बावजूद भी इन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी। ये अपनी मम्मी और गांव वालों की नजरों में छिप छिप कर वीडियो बनाती थी, मगर धीरे धीरे ये बातें इनकी मम्मी को पता चल गई। गांव वालों के ताने सुनकर इनकी मम्मी को बहुत गुस्सा आया और इनकी मम्मी ने शिवानी को बहुत मारा, यहाँ तक कि वो चक्कू लेकर भी शिवानी की तरफ दौड़ी और शिवानी का फोन तोड़ दिया। अपनी बहन से पुराना फोन लेकर ये फिर से वीडियो बनाने लगी। इसी बीच शिवानी ने जैसे तैसे करके 12th के एग्जाम दे दिए। शिवानी के घर में किसी के पास चप्पल जूते नहीं थे। एक दिन मजूरी के पैसों से शिवानी ने सबके लिए चप्पल खरीदे। जब शिवानी इन चप्पलों को खरीद कर ला रही थी तभी रास्ते में उन्होंने अपना एक वीडियो बनाया, हाय फ्रेंड देखो हम सबके लिए चप्पल ले आए, और यही वीडियो उनकी वायरल हो गई। इसके बाद 2 सब्सक्राइबर शिवानी कुमारी से मिलने आए तो शिवानी कुमारी की मम्मी बहुत नाराज हुई। शिवानी कुमारी की माँ ने कहा कि देखो ये हम लोगों की नाक कटाए हैं कि इनसे मिलने के लिए लड़के आए हुए हैं। उनकी मम्मी ने सब्सक्राइबर से कहा, क्या तुम्हारे घर में बहन बेटियां नहीं है जो तुम यहाँ पे फोटो लेने चले आए? तब उन सब्सक्राइबर ने उनकी मम्मी को बताया कि आप शिवानी कुमारी फेमस हो गई हैं। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर शिवानी कुमारी से मिलने आ रहे थे उतना ही उनकी मम्मी शिवानी कुमारी से नाराज हो रही थी। और कुछ दिनों बाद टिकटॉक बैन हो गया, जिसके बाद शिवानी कुमारी का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि अब हम क्या करें। वो बहुत दुखी हो गई थी और गांव वाले ताने देने लगे, क्यों शिवानी कुमारी तुमने वीडियो बना ली और तुम्हें कुछ मिला भी नहीं। और शिवानी कुमारी की मम्मी उनके लिए शादी के लिए लड़का खोजने लगी और फिरोजाबाद में एक लड़के की तलाश हुई, मगर उस लड़के ने शिवानी कुमारी से शादी करने से इनकार कर दिया और ये रिश्ता टूट गया। कुछ दिनों बाद यूट्यूबर अभिषेक और अंशुल शिवानी कुमारी के पास पहुंचे। उन्होंने शिवानी कुमारी से यूट्यूब पर काम करने के लिए कहा। अभिषेक सर ने कहा कि तुम यूट्यूब पर ब्लॉग बनाया करो, लेकिन शिवानी कुमारी ने कहा मुझे ब्लॉग बनाना नहीं आता। तब अभिषेक सर ने कहा कि तुम ब्लॉग बनाया करो, मैं तुम्हें बताऊंगा। अभिषेक सर ने कहा कि तुम झोपड़ी से महल बना सकती हो। तब शिवानी कुमारी को कुछ कुछ उनकी बात पर भरोसा हुआ और अभिषेक सर ने शिवानी कुमारी का यूट्यूब चैनल बना दिया, शिवानी कुमारी ऑफिशियल। जब शिवानी कुमारी ब्लॉगिंग करने लगी तो फिर से गांव वाले ताने देने लगे, फिर से शिवानी कुमारी का मनोबल टूट गया। तब अभिषेक सर ने कहा तुम अपना काम करो, जो तुम्हारी अभी बुराई कर रहे हैं कल वही तुम्हारी तारीफ करेंगे। शिवानी कुमारी को ठीक से हिंदी भी पढ़नी नहीं आती थी, मगर अभिषेक सर के कहने से इन्होंने 2-2 घंटे किताब पढ़ना स्टार्ट किया और शिवानी कुमारी की पहली पेमेंट 20,000 रुपए आई। और धीरे धीरे जो लोग ताने देते थे वही लोग शिवानी कुमारी की तारीफ करने लगे कि बिटिया हो तो शिवानी की तरह हो। आज शिवानी कुमारी अपने घर आपने अपनी बहनों का सबका खर्चा खुद उठाती हैं और अपनी बड़ी बहन के लिए एक बहुत बड़ा सा घर बनवाया और अपने लिए भी एक अलग घर बनवाया है, बहुत ही अच्छा। शिवानी कुमारी अपने गाँव के लोगों की भी बहुत मदद करती है और वे बहुत ही सीधी तथा सरल स्वभाव की है। शिवानी कुमारी लड़की होते हुए भी अपने घर में एक लड़के का फर्ज अदा करती है और जहाँ पे सबसे पहले ब्लॉक में उनकी झोपड़ी दिखाई देती थी वहीं पर एक बहुत ही बड़ा सा मकान बनवा दिया है। शिवानी कुमारी की काबिलियत को देखते हुए बिग बॉस में उन्हें आमंत्रण मिला और वे इस समय बिग बॉस के घर में हैं। उन्हें पहले सप्ताह में नॉमिनेट किया गया था, मगर जनता के सपोर्ट की वजह से बिग बॉस के घर में रहने का फिर से मौका मिला और वे अपना खूबसूरत प्रदर्शन बिग बॉस में कर रही हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि शिवानी कुमारी बिग बॉस से जीत कर आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बिग बॉस से बाहर आने के बाद वे फिल्मों में भी काम करेंगी, उन्होंने एक फिल्म को साइन भी कर लिया है। शिवानी को जिताने के लिए सभी लोग सपोर्ट करिएगा, वे जीत कर ही घर से बाहर आए। शिवानी कुमारी बिग बॉस में जीते या न जीते, मगर सबसे बड़ी जीत तो यही है कि शिवानी कुमारी बिग बॉस के घर में गई, जो एक सेलिब्रिटी का सपना होता है। अभी शिवानी कुमारी अनमैरिड हैं। हम सभी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा।